उत्तराखंड बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं और उस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि मेरे सारे अधिवक्ता मित्र यहां पे मौजूद हैं। मैं एक एक करके उनसे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरे साथ रोथाण जी हैं यहां पे, यहां पे जगली जी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और दीपक पोखरियाल, उनकी हाइट काफी ज्यादा है, वो पीछे दिखाई दे रहे हैं, और हमारे बड़े भाई पप्पू पन जी वो फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं, और महेंद्र असवाल जी वो दिखाई दे रहे हैं पीछे, उनकी मूछे और चश्मा दिखाई दे रहा है मुझे, और संजय कुकरेती और सारे मित्र दिखाई दे रहे हैं पीछे। और मकसद ये है कि हम लोगों का जो यहाँ पे गेट टुगेदर है आज, इसका मकसद ये है किसी तरीके से हम जो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी, उसकी गरिमा उसको लौटा सकें, और उसके लिए पौड़ी जनपद से जो भी कैंडिडेट बार एसोसिएशन में जाएंगे नैनीताल, वो विजयी हों। और सबसे पहले मैं बात करूंगा रोथाण जी से। रोथाण जी, किसको भेजना चाह रहे हैं इस बार? नए कैंडिडेट और पुराने में कहीं ना कहीं ये जरूर चाहेंगे कि अरुण भंडारी जो है वो पहुंचे। पप्पू भाई है वरिष्ठ, हमारे बड़े भाई है, और कुछ हमें ज्ञान की बातें बताएंगे। देखिए, हम तो भाई उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि पहाड़ की कंदराओं से ही हम लोग बार एसोसिएशन के मेंबर को भेजें, एंड निश्चित रूप से पहाड़ की कंदराओं से ही हम यहाँ पे देखिए, देहरादून में 4000 वकील, हरिद्वार में 6000 वकील, पौड़ी में जहाँ हम 400 वकील हुआ करते थे, आज हम 40 वकील नहीं है। क्यों नहीं हम पहाड़ से ही अपना एक ऐसा आदमी भेजें जो हमारी आवाज उठाए, और केवल वकीलों के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरी पौड़ी कमिश्नरी के लिए, और पूरी पौड़ी जिला के लिए, और पूरे पहाड़ के लिए लड़ाई लड़े। इसलिए निश्चित रूप से श्री अर्जुन भंडारी के लिए मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य के लिए हमारे नेता बने एक बार। मेरे साथ आशीष जदली है और छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे। आशीष भाई, क्या सोचते हैं? धन्यवाद आशुतोष जी, आज आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, और आज हम लोग काफी विचार विमर्श भी किया कि भाई बार काउंसिल के चुनाव बहुत नजदीक हैं, हम लोगों के हितों से जुड़े हुए फैसले वहां होते हैं, और हम फैसला करेंगे, हम लोग निर्णय करेंगे कि भाई किसे चुना जाना है। तो हम बैठक कर रहे हैं और हम बहुत जल्द निर्णय लेंगे किसे चुना जाना है, और अभी ये निर्णय हो रहा है कि भाई जो अधिवक्ताओं के हित में जो फैसला करे उस व्यक्ति को हमने चुनना है। कुकरेती? नहीं, हम तो भंडारी जी के पक्ष में हैं, लगता है कि भंडारी जी जाएंगे और उम्मीद है कि वो जीतेंगे। पिछली बार भी मेंबर रहे, इस बार भी जीतेंगे। महेंद्र भाई? पिछली बार अर्जुन सिंह भंडारी जी हमारे साथ ही एक ऐसे वकील थे जिनको मतलब किसी को जानते नहीं थे। हाँ, वो बार काउंसिल के मेंबर बने, और सारे उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में एकमात्र सिर्फ अर्जुन सिंह भंडारी ऐसे बार काउंसिल के प्रतिनिधि थे जिन्होंने सारे पहाड़ के लोगों का दुख दर्द समझा, और आज भी वो उनके साथ जो दुख दर्द की बात होती है, वकीलों की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, उनका निराकरण में अर्जुन सिंह भंडारी आज तक 20 जो मेंबर होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 वोट देंगे। हम बजट क्रम में जिसका भी होगा पहले वोट इनको पहाड़ी लोगों को देंगे, क्योंकि हमारे पहाड़ में उत्तराखंड के देहरादून में जो है पहाड़ी लोग बस चुके हैं, परंतु हम जो पहाड़ में बसे हैं, जो पहाड़ में रह रहे हैं, सबसे पहला वोट हम अपने पहाड़ी लोगों को देंगे, और उसमें पहाड़ी लोगों में क्योंकि उत्तराखंड बार मतलब पौड़ी जिले में दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है, तो पहली वजहता हमारे अर्जुन सिंह भंडारी जी को होगी। और उसके बाद जो पहाड़ में जो वकील लोग लग रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो हम पहाड़ के लोगों को वोट देंगे, उनका 1, 2, 3, 4, 5 हम सारे पहाड़ी लोगों को वोट देंगे। गरीब मार करेंगे, 100% करेंगे, जीता तो है पर मार्जिन बढ़ाएंगे। जी, कुछ बोलना चाहेंगे? छोटे भाई है मेरे। जी जी बीजी जी, हमारे जो बार काउंसिल का जो चुनाव चल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे जो उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी वो है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहूँगा, हम उस आदमी को चुन के भेजना चाहेंगे जो आदमी हमारे पहाड़ के बारे में सोचे। हमारे यहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई है, जो भौगोलिक स्थिति हमारी, जो परिप्रेक्ष्य हमारे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य जो बना हुआ है यहाँ पे, उसके लिए हमें उस आदमी को हम
मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं करूंगा या किसी उसकी बात नहीं करूंगा, बट जो हमारे भौगोलिक हमारे जो परिस्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि हम ये चाहेंगे जो हमारी यहाँ की परिस्थितियाँ को समझे और उसी आदमी को हम कोल करेंगे और उसको हम कोल कस्टम अपना करेंगे। धन्यवाद सर जी। मैं सचिव जिला अधिवक्ता संघ पौड़ी विनोद कुमार मेरा नाम है। तो हमारे जो अधिवक्ता संघ ने इस बार तय किया हुआ है, ये तय किया हुआ है कि बार काउंसिल का जो चुनाव इस समय हो रहा है, इस बार अधिक से अधिक संख्या में हमारे बार काउंसिल में जो पहाड़ी क्षेत्र में निवासरत अधिवक्तागण हैं वो वहाँ पे जाएं और अधिक से अधिक संख्या में जो हम लोगों की पहाड़ी लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं वहाँ पे रखें। तो इस बार हम लोगों ने ये तय किया हुआ है कि हमारी जो वोटिंग जाएगी वो अधिक से अधिक संख्या में पर्टिकुलर पहाड़ी लोगों को ही जाएंगे जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत अधिवक्तागण हैं। तो इस बारे में हम लोगों का विचार यही है कि अधिक से अधिक संख्या में हम अपने पहाड़ी लोगों को ही बार काउंसिल में भेजें। धन्यवाद। तो कुल मिला के मकसद यह है कि अगर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से पलायन को रोकना है, सरकार को समझाना है या जनप्रतिनिधियों को समझाना है कि पहाड़ों के लिए आपको कुछ करना ही होगा, तो हमको मजबूत से मजबूत प्रतिनिधि, चाहे बार काउंसिल हो, चाहे विधायक हो, चाहे हमारे MP हो, उनको भेजना होगा। और इसके लिए पौड़ी में पहल शुरू हो गई है और पहाड़ से जुड़े हुए लोग पहाड़ के मजबूत आदमी को ही उत्तराखंड बार काउंसिल में भेजेंगे। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।